बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तालियों के लिए, पर इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं. नहीं यार, सुंदर सोचेंगे तभी तो सुंदर होगा लाइफ में, मानते हो कि नहीं? या इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. या ऑल ऑफ यू हियर हु बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग, गिव मी अ लाउड चीयर. गुड फॉर यू. नहीं, इवन आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग. रोज डे पे 50 रोजेज मिलते हैं यार मुझे पॉजिटिव थिंकिंग लॉन्डो की. इंजीनियरिंग वाइवा में बिना पढ़े टॉपर मैं, पॉजिटिव थिंकिंग बकचोदी. बट मैंने लाइफ में फिगर कर लिया है कि अब आगे बढ़ने के लिए व्हाट इज मिसिंग इन माय लाइफ, अटेंशन, मोटिवेशन. अटेंशन तो मुझे पसंद ही नहीं है. सो पॉजिटिव थिंकिंग इट इज. तो और है क्या, और चाहिए क्या लाइफ में? देखो, पैसा, दौलत, शोहरत, अकल शकल सब तो है मेरे पास. मतलब जिंदगी चलती पॉजिटिव थिंकिंग पे. यू गाइस आर मैरिड, डेटिंग, व्हाट, मैरिड, मैरिड, हाउ मेनी इयर्स? अभी तो सावन में लगी है आग. ओह माय माय. तो जब आपको भाई साहब, मतलब मेरे भाई साहब, आपके भाई साहब ने जब भाई साहब ने आपको कहा कि आपको सारी जिंदगी खुश रखेंगे, तो आप मान गई थी? दैट्स पॉजिटिव थिंकिंग गाइस. शादियां चलती पॉजिटिव थिंकिंग पे कि इस जन्म में इन्हें झेल लिया तो अगले जन्म में ऋतिक रोशन. जो ऋतिक को झेल रहा है कोई, उससे तो पूछो. उसे दुनिया नहीं झेल पा रही है. It goes both ways. नहीं, ये वीडियो में नहीं डालूंगी, पंगे नहीं लेना मुझे. मतलब मेरा बॉलीवुड करियर भी अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है, ऑल थैंक्स टू पॉजिटिव थिंकिंग. मैं रोज जाती हूँ यशराज के बगल में जो गार्डन है, वहाँ जॉगिंग करने. मतलब गार्डन और ऑफिस के बीच में एक दीवार है, दुनिया उसे स्ट्रगल कहती है. आई कॉल इट द जर्नी टू द अदर साइड, पॉजिटिव थिंकिंग. और भाई साहब, ऐसे नहीं जाती मैं, प्रोफेशनली जाती हूँ जॉगिंग करने. कभी सफ़ेद कमीज, कभी भीगा आंचल. मोरनी बागा माँ होगी तभी तो करियर बढ़ेगा ना. आई डोंट टेक थिंग्स लाइटली. मैं अपना ब्लो ड्रायर भी लेकर जाती हूँ. जुल्फे उड़ेंगी तभी तो करियर उड़ेगा गाइस. बट फिर मुझे लोगों ने कहा कि यू नीड टू डिग डीप. मैं कहा अच्छा, हाउ डीप? कहते हैं व्हाट्सएप डीप. मैं कहा हाँ, व्हाट्सएप डीप तो है, ऑल थैंक्स टू दीपू चाचा. सबके होते ना चाचा जी. हाँ नहीं, आप हो नहीं पर आपकी शक्ल मिलती, याद आ गई उनकी. है ना, उनकी भी ऐसे ही थोड़े थोड़े बाल कम हो रहे हैं अकल के साथ. हम सबके होते हैं ना ये चाचा जी, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे तक ना खुद को रोके रहते हैं. और 6 बजते ही फट जाते हैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस से. है ना, दीपू चाचा गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज भेज के मिलेनियल फील कर रहे हैं. आप रात को सोते हो, सब सही होता है ना. सुबह उठते हो, आप ग्रुप चैट पे होते हो, दुनिया ग्रुप सेक्स कर रही है. व्हाट दीपू चाचा. दीपू चाचा की अकड़ देखो, पैर स्टेज पे. लंबे हैं, क्या करेंगे. अकल आ जाएगी इतनी लंबी कभी. तो चाचा जी ने एक कमाल का और मैसेज किया कि बेटा, इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग इन लाइफ, ठीक है, तो उस चीज़ की एक फ़ोटो अपने पास रखो, अपनी जेब में, और उस फोटो को देखते रहो. एक टाइम पीरियड फिक्स करो और पूरे फोकस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते रहो. और फिर शाहरुख तेरे घर नहीं आएगा. मन्नत के फ्लोर्स बहुत है, सफाई में टाइम लगता है. पूरी कायनात
तुम्हें उससे एकजुट होने में लग जाती है, है ना? तो मैंने स्विफ्ट डिजायर की फोटो रख ली और 2 साल फिक्स किए. ठीक है, 2 साल सही थे चाचा जी? और 2 साल तक मैं उस स्विफ्ट डिजायर की फोटो को देखती रही, देखती रही, देखती रही. और एक दिन मेरे दरवाजे पर स्विफ्ट डिजायर आकर खड़ी हो गई. थैंक गॉड फॉर ओला शेयर. बट आई हैवन्ट गिवन अप इन लाइफ. आई केप्ट वर्किंग हार्ड. देखो आज हाउसफुल क्या भाई साहब. या सो पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्ड. एंड एक्चुअली बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बट ऑल थैंक्स टू ऑल द हार्ड वर्क दीपू चाचा. आज मेरे पास ऑडी है. थैंक यू. अभी आ रही थी, ऑटो को चेंज दे रही थी, मेरी ऑडी नीचे गिर गई. मैंने झट से फोटो उठा के जेब में रख ली. मैं कहा कुछ भी हो जाए, मोटिवेशन नहीं गिरना चाहिए लाइफ में. बीच में एक्चुअली मेरा वेट भी थोड़ा बढ़ गया था. तुम लोग ने देखा होगा मेरा वो वीडियो गर्ल्स इन द जिम. देखा है? Yes. देखा है ना? देखा है ना? तुम लोग ने भी देखा है ना? जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना. फिल्मी छोकरी चैनल है. लाइक शेयर सब्सक्राइब. इंस्टा ट्विटर एवरीवेयर. लाइक शेयर सब्सक्राइब. ओके, वो वीडियो वाले जो एक्चुअल व्यूज देते हैं ना. सो मेरा वो जो वीडियो है गर्ल्स इन द जिम, मतलब मेरा वो जो वीडियो है गर्ल्स इन द जिम, अब तो देख ही लेना. ठीक है, तो मेरा वो जो वीडियो है गर्ल्स इन द जिम, मैंने सबसे पहले उसे इग्नोर किया और जिम जाना बंद किया. भाई बंदा जिमिंग करेगा या थिंकिंग, है ना? और 6 महीने डीप थिंकिंग की और 6 महीने बाद मैं एक पार्टी में गई. वहां राहुल, नाम तो सुना होगा, मेरा एक्स, मेरा मतलब है एक्स बाय 2. मेरी तरफ से तो हाँ थी ना. वो भी आया था, कमीना. पास आ गया यार. कहता है ओ माय गॉड अंकिता, व्हाट अ ग्लू. मैं कहा टेल मी समथिंग आई डोंट नो. कमीना, तारीफें किए जा रहा था. वो लेफ्ट से तारीफ कर रहा था, मैंने राइट मुंह मोड़ लिया. हम देखेंगे नहीं पर सुनेंगे तो जरूर ना. मतलब बंदे तो मुझे भी पसंद ही है ना. कमीना इतना पास आया, से एक पॉइंट पे ना समझ नहीं आ रहा था सांसें उसकी चल रही है मेरी. और पास आके कहता है अंकिता आई हैव नेवर सीन यू लुक सो ब्यूटिफुल. माय गॉड टेल मी ऑनेस्टली व्हेन इज द ड्यू डेट. ड्यू डेट बताएगी तेरी अम्मा. हाँ नहीं तो गिर गई पॉजिटिव थिंकिंग मेरे दिमाग से. हाँ नहीं तो देखो पतली तो हो गई हूँ ना मैं, मतलब अभी भी है थोड़ा वेट, पर इसे तो वो लप्शस कहते हैं. और फिर कॉटन भी तो पहना है, फूलता है ना बहन. स्लिम फिगर है. हाँ सो हाँ मतलब मीडियम चल जाता है. सो हाँ नहीं तो फिर चाचा जी केम टू रेस्क्यू. मतलब चाचा जी की कमाल की बात ये है कि इनके मैसेजेस का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो मेरा स्टेट ऑफ लाइफ होता है. चाचा जी ने अगर चाची को इतना समझा होता ना, इनके 4 बच्चे और होते. अच्छा वो चाची है. कितने बच्चे? हाय 6 बच्चे इस महंगाई में. अच्छा है आपकी जोड़ी सलामत रहे.
इधर ही आके बैठ जाती हूँ. तो चाचा जी का मैसेज आया, बेटा व्हेनेवर इन डाउट ऑलवेज गो बैक टू योर रूट्स. चाची समझती है ऐसे मैसेजेस का. मैं कहा अच्छा चाचा जी सही तो कह रहे हैं. बचपन में मम्मी क्या करती थी हमें, सुबह उठाने को, दूध पिलाने को, स्कूल ले जाने को, क्लास में फर्स्ट आने को. उस मोटिवेशनल थेरेपी का नाम क्या था? चाटा. तो मैंने सोचा अच्छा चाटा तो कमाल की मोटिवेशनल थेरेपी है. मतलब चाटे की खास बात पता क्या है, एक बार चाटा लगा और अगर आप रोए तो फिर एक चाटा. चाटा लगा और नहीं रोए फिर एक चाटा. अगर बिना चाटा लगे रो रहे हो तो फिर एक चाटा. और कई बार ही ना मम्मी पापा को लगता है बहुत दिन नहीं हो गए, लगाया नहीं यार इसको, फिर एक चाटा. चाटा इज मम्मी पापा का म्यूचुअल फंड दैट मल्टीप्लाइज द मोमेंट इट इज इन्वेस्टेड, है ना. और सिर्फ चाटा नहीं, बेलन, पेंसिल, हैंगर, बद्दुआ, छोटा भाई, जो मिलता है फेंक देते आपके ऊपर. इसलिए तो छोटे सिबलिंग्स को कभी दिमाग नहीं होता. सो चाचा जी इज वन ऑफ देम. मैं बचपन में गोवा गई थी मम्मी पापा के साथ ऑब्वियसली. आइसक्रीम खा रही थी मैं, ठीक है, लिड पे जो आइसक्रीम लगी होती है ना, ऐसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कार्डबोर्ड का स्वाद मेरे गले के नीचे. और एक टॉपिंग पड़ी. मैंने मम्मी से बड़े होके पूछा चाटा क्यों मारा था. मतलब आप ही लोग कहते हो ना कि बेटा खाना वेस्ट मत किया करो, अपनी आइडियोलॉजी तो क्लियर कर लो हम पे थोपने से पहले. हाँ वो राइट. तो मम्मी ने कहा बेटा गोवा में बीच बाजार में सब देख रहे थे किसकी बच्ची विदाउट मैनर्स. मैंने कहा हाँ गोवा तो लोग आते हैं इसलिए. बिकिनी छोड़ बेबी देखने के लिए. मम्मी को ये नहीं पता था कि बच्चे ये देख रहे थे कि किसकी मम्मी है विदाउट मैनर्स. एक वो दिन है, एक आज का दिन है, मम्मी के चाटे की दहाड़ भाई साहब. उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड जब भी बोले गोवा मैं बोलूँ ना शिरडी. बट आई वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ माई टाइम्स. मैंने करी थी पॉजिटिव थिंकिंग छोटे पे, मैथ्स में फेल हुई थी तो पेपर पापा के पास लेके गई. मैंने कहा पापा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. पापा ने लगा आता ही क्या आप लोगों को, क्वालिफिकेशन क्या है. बट पापा के थप्पड़ की वो दहाड़. एक वो दिन है, एक आज का दिन है, बीच रात अगर कोई मुझे उठाकर पूछे 3 × 3 फट से जवाब आता है 6. मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, ये ऋषि मुनियों का देश, चाटो पे खड़ा है. दिस इज वॉट इट मीन्स गाइज. हम सबकी लाइफ में, हम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो एक टाइम आता है ना, जब हम कोई गलती करते हैं और उससे बड़ी गलती हम ये करते हैं अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं एडवाइस लेने. बुद्धि नहीं होती ना. और हमारे पेरेंट्स अक्रॉस कास्ट क्रीड रिलीजन एक ही लाइन बोलते हैं, बेटा भगवान सब ठीक कर देगा. नाउ दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. या मैंने पूछा पापा से आपको कैसे पता, कहते व्हाट्सएप पे आया था.
पापा को ये नहीं पता है कि भगवान को चाटे मारना कितना पसंद है। मतलब इसे देखो, इसकी जिंदगी में क्या ख्वाहिश है? सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे, कार्ड स्वाइप करे, 5 बजे वापस कार्ड स्वाइप करे, घर वापस आए। भगवान इसे क्या देता है? ट्रैफिक का चाटा। ये क्या चाहता है? शो के बाद घर जाके पॉर्न देखे। ऐसी पॉर्न के नाम से ही खुश हो रहा है। भगवान ने इसे क्या दिया? पॉर्न बैन का चाटा। मैं क्या चाहती थी? किसी ने मेरे बारे में सोचा यहाँ पे? मैं चाहती थी कि आज मेरी रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए। 5 कैमरे लगाए मैंने। भगवान ने क्या दिया मुझे? कमाल की ऑडियंस। इसमें भगवान का नहीं, मेरा हाथ है। मुझे पता है आज कितने रिश्तेदार जोड़े हैं। मतलब जिंदगी क्या है दोस्तों? जिंदगी क्या, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम वन चाटा टू द नेक्स्ट चाटा। और उन चाटों के दर्द का एहसास, उन चाटों को जिन खूबसूरती से हम सहते हैं और उसके दर्द का एहसास दुनिया को नहीं होने देते हैं, उसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। और अनफॉर्चुनेटली US वगैरह में यू कांट हिट अ किड, इट्स अ क्राइम, राइट? नो वंडर अपना सुंदर पिचाई इज रूलिंग गूगल। गो चाटा गाइज, है ना? वहां के पेरेंट्स जानते ही नहीं है, नो चाटा नो गेन। या इट वॉज चाचा जी की समझ लिया। बट अब हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे वहां पहुंच रही है। पहले कामसूत्र पहुंचा, राइट? पॉन गए, ताली मार रहा है इसमें। फिर योगा पहुंचा, राइट? पॉन गए, ऐसे कर रहा है यार, उल्टा नहीं हो गया? अब चाटा भी पहुंचेगा। हाँ, एक तरफ चाटा बजेगा और पीछे सितार बजेगा। एंड इट विल बी कॉल्ड चाइल्ड कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट थेरेपी। मतलब हम कैसे करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग यार? ये जो पॉजिटिव थिंकिंग कंपनी है ना, इसके 3 ओनर्स हैं, ओशो, सदगुरु और दीपक ओपरा, मतलब चोपरा, सॉरी। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये और क्यों, बाकी लोग तो कहाँ है, नेटफ्लिक्स पे या फिर कैलासा पे बैठे हैं, है ना? तो ये जो महागुरु है ना, इनके लिए द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स फॉर अस, द यूनिवर्स कॉन्स अस टिल वी रीच आवर पायर्स। तो फिर मैं चलती हूँ यशराज, है ना, जॉगिंग करने, है ना? सिमरन भागेगी तभी तो उसका करियर बनेगा, है ना? बट आई एम सो हैप्पी आज रिकॉर्डिंग थी, इट्स अ हाउसफुल। आप सबको ये सेट अच्छा लगा? जिन्हें समझ आया, जिन्हें प्यार दिया उनको शुक्रिया, और जिन्हें नहीं समझ आया उनको